मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यहाँ जातिगत आधार पर चुनावी समीकरण बन रहे हैं। हर बार चुनाव के पहले थोड़ा बहुत जातिवाद का रंग राजनीति में घुलता जरूर है। राज्य में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ही यहाँ जातिगत आधार पर सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। हर दल का नेता अपने कार्यकर्ता और सूचियों के दम पर जातिगत समीकरण तैयार करने की दौड़ भाग में लगा हुआ है। इसी बीच एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी संगठनों ने देश और प्रदेश में रहने वाले अपने समुदाय के लोगों से यह अपील कर दी है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को वोट न दें। आपको बता दें कि ये जानकारी रविवार को एससी एसटी और ओबीसी वर्ग द्वारा आयोजित की गई रैली के दौरान एक आयोजक ने दी है। राजधानी भोपाल में आयोजित की गई इस रैली का समापन भेल के दशहरा मैदान में हुआ, जहां रैली के बाद भेल मैदान में आयोजन भी हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किए गए इस आयोजन में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ AJJAKS के प्रवक्ता विजय शंकर श्रवण ने बताया, हमारे नेता बहादुर सिंह लोधी और महेंद्र सिंह पटेल ने रैली में मौजूद लोगों से कहा है कि अगर अपने हितों की रक्षा करनी है तो अब इस बात को गठान बांध ले कि वह भी कभी भी ऊंची जाति के उम्मीदवारों को वोट ना दे, क्योंकि एससी एसटी अधिनियम और अनुसूचित जाति जनजाति के दिए गए आरक्षण के वे विरोध में हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एट्रोसिटी एक्ट में किए गए संशोधन के बाद एससी एसटी वर्ग में खासा विरोध देखा गया है। इस पर सरकार मंथन करती उससे पहले ही देश प्रदेश के स्वर्ण वर्ग ने विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही देश के कई राज्यों में स्वर्णों के जुड़े सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने देशव्यापी बंद करके इसका विरोध जताया, जिसके बाद सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जाने लगी। वहीं मध्य प्रदेश में तो आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वो दोनों ही वर्गों को साधने का हर संभव प्रयास करने में जुटे हैं। लेकिन स्थितियां इतनी बिकट है कि अगर वो अगड़ों को मनाते हैं तो पिछड़े नाराज हो जाते हैं और पिछड़ों को मनाते हैं तो अगड़े खफा हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस उठा पटक में किसका नुकसान हुआ और किसका लाभ? एससी एसटी कानून में बदलाव ने प्रदेश की शिवराज सरकार की चिंता ज्यादा बढ़ा रखी है।